अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं धूम प्लस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूर। सबसे पहले आज की अहम खबरें। तेईस मार्च को जलसा होगा, बैरिस्टर गौहर अली। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के खसूसी हिदायत पर सुबह भर में सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज तहसील जतोई के नवाही गांव बड़ी बस्ती अराई में कर दिया गया। सादिकाबाद रमजान में मुबारक का चांद नजर आते ही दुकानदारों ने मुनाफा बढ़ा दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़रात जमीलुर रहमान और उनकी टीम भी सरगर्म। कोट शरीफ यूनियन काउंसिल कोट खलीफा खंड बरादरी की तरफ से मखदूम सैयद समील हसन गिलानी की हिमायत पर सजादा नशीन औद शरीफ चेयरमैन मशायख इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान मखदूम पीर सैयद सुहेल हसन गिलानी के जलसे में आमद। तरंडा मोहम्मद पनाह मोरी सांगला के करीब टैंकरों से ईरानी पेट्रोल डीजल सरेआम चोरी होने लगा। मेन रोड पर सरेआम दिन दहाड़े गैर कानूनी ऑयल डीजल और पेट्रोल की चोरी जारी। पेट्रोलिंग पुलिस के जराम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाई। पुल कादिर वाली पेट्रोलिंग पुलिस के शिफ्ट इंचार्ज जाम इमरान नज़ीर ने अपनी टीम के हमरा नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार आबिद नामी मनुष्यात फरोश को गिरफ्तार कर दिया। डीएचक्यू खोशाब को ख़त्म करके उसको डीएचक्यू में जम करने और उसको सब कैंप्स बनाने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में रिट दायर के बाद आवाम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से खोशाब डीएचक्यू अस्पताल का अचानक दौरा किया। एक रुकन सूबाई असम्बली सिंध मोहम्मद फारूक कवान हिलाल शुजात सितारा शुजात के पीपल्स हाउस कुरंगी में आए हुए मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात। कुरंगी का में फैसशाह फैसल कॉलोनी रोड जो बुर्ज की जानब जाने वाली शारा फजल रोड पर सेवरेज के अंधे गंदा पानी से आवाम को दौरान सफ़र परेशानी का सामना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए धूम प्लस न्यूज़।